गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम डीके गोयल ग्रुप फॉर क्लास 12। एज यू नो इन द प्रीवियस वीडियोस, इफ कंपनी इज इशूड डिबेंचर एंड गिवन इंफॉर्मेशन फॉर द रिडेम्पशन ऑल्सो, देन वी कीप सम पॉइंट्स इन माय माइंड। इफ एट अ टाइम ऑफ इशू एंड इफ एट अ टाइम ऑफ इशू मेथड ऑफ रिडेम्पशन इज गिवन, then we maintain some certain interest. I have told you what kinds of procedure we adopt if the redemption conditions are given. Redemption, I have told you, there are six conditions. Redeem cannot, a debenture cannot be redeemed on discount. There are six conditions: issued at par, then redemption at par or at premium. Two condition is there: issued at discount, issued and redemption at par and or and premium, 2 to 4 condition. Or third condition is issued हुआ premium पर और redemption की पहली condition at par और दूसरी condition at premium, 6 condition हो गई। हम इन ये इसीलिए question number 25 हमने select किया। On these basis you have to solve question number 25 to 30, you will get in your book. But I have chosen question number 25 because all the five conditions is given in this particular question. First of all, I am going to recite the question. What general entry will be made in the following cases? The first case, a company issued 40,000 12% debenture at par and redeemable at also at par. Redeem करने की condition क्या दी है? At par. जब at par की condition देती है, तो हमने आपको previous video में बताया है theory के कि जब भी इशू किसी भी तरीके से किया जाए, एट पर, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, लेकिन अगर रिडेम्पशन की कंडीशन एट पर है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं पास करेंगे, वही पुरानी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। देखिए, जब एक मुश्त रकम देती है, यहाँ पे एप्लीकेशन के अमाउंट नहीं डिफाइन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, या बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर भी लिख सकते हैं। ये दोनों एंट्री का, जब डिबेंचर लिखेंगे तो फिर ये एंट्री नहीं पास करेंगे, लेकिन मोस्टली डिबेंचर एप्लीकेशन या फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मैंने लिखा है, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, चूंकि एट पर इशू है तो 40,000 आ गया, और रिडेम्पशन की भी कंडीशन वही है कि एट पर, तो बस रिडेम्पशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे, 12% डिबेंचर को एप्लीकेशन को बंद कर देंगे डेबिट करके, 12% डिबेंचर मीन्स जो शेयर में कैपिटल वाला होता था वो डिबेंचर 40,000। सेकंड कंडीशन है, अ कंपनी इशूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पर, 10% के डिस्काउंट पर इशू किया गया, और रिडेम्पशन क्या है? वही है रिडेम्पशन एट पर। तो जो हमने बताया कि जब एट पर रिडेम्पशन होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम होता है देन वी नीड टू पास एन एक्स्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे एट डिस्काउंट पे इशू किया गया है और रिडेम्पशन एट पर है, तो कोई नई एंट्री नहीं करेंगे। देखिए, 40,000 है, इसका 10% 4,000 होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, दैट इज 36,000। फिर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 36,000 से क्रेडिट, 36,000 से डेबिट किए, और फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये 4,000 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, उसको भी डेबिट करेंगे टू 12% डिबेंचर 40,000। कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं पास करेंगे क्योंकि रिडीमेबल एट पर था। थर्ड वाली कंडीशन क्या कह रही है? ए कंपनी इशूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 रिडीमेबल एट पर। अब चौथी तीसरी कंडीशन कह रहे हैं कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं लेकिन रिडेम्पशन फिर ऐड कर दिया। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि अगर रिडेम्पशन ऐड कर देता है तो हमें कोई नहीं एक्स्ट्रा एंट्री नहीं पास करना, तो क्या करेंगे? अब 5% चूंकि इशू किया जा रहा है 5% के प्रीमियम पर, तो 40,000 का शेयर है, 40,000 का 5% 2,000 होगा, तो क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अभी तक हमने एप्लीकेशन लिखा था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिख सकते हैं आप, इन पर भी मैंने बता दिया आपको। फिर 12% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000 से, तो 12% डिबेंचर में जाएगा 40,000 क्योंकि यही मेन फेस वैल्यू का अमाउंट है, और 5% जाएगा एसपीआर में 2,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चौथी कंडीशन क्या कहती है? अ कंपनी इशूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%
रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पे लिखा रिडीमेबल एट 5%, सॉरी चौथी कंडीशन ये है, सॉरी कंपनी इशूड 40,000 10% डिबेंचर एट पर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, सॉरी 10% के प्रीमियम पे, चौथी कंडीशन। तो इशू किया गया है एट पर और रिडेम्पशन है 10% के डिस्काउंट पर और 10% के प्रीमियम पर। तो देखिए हम कैसे इसके लिए एक एक्स्ट्रा इंट्री पास करेंगे, जैसा कि मैंने बताया बैंक में तो इशू करेंगे तो एट पर है तो वही पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को 40,000 से डेबिट करेंगे। अब देखिए जो रिडेम्पशन हम करेंगे, जब भविष्य में हम रिडीम करेंगे पैसे को, जब कंपनी पैसे को रिडीम करेगी तो उसको करना है एट प्रीमियम 10%। तो आपको मालूम हो गया कि जब इस डिबेंचर को हम रिडीम करेंगे तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा हमारे लगेंगे। तो हमको मालूम हो गया इशू के ही वक्त, हमने बता दिया कि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो हमको इशू के ही वक्त इसका इंतजाम करना है। तो हम लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000, सारे लॉसेस को, ये कैपिटल लॉस है इसको हमने डेबिट कर दिया, टू 12% डिबेंचर में 40,000 जाएगा और यही जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,000 से क्रिएट किए हैं पैसा तो अभी जाएगा नहीं, भविष्य में हम जाके रिडीम करेंगे। तो इस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 4,000, तो 44,000 से डेबिट 44,000 से क्रेडिट। याद रखिएगा यही एक नई एंट्री बनाना पड़ता है, अगर अगर रिडीमेबल है वो डिबेंचर रिडीमेबल है प्रीमियम पर तो उस प्रीमियम के अमाउंट से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, गॉट इट। अब देखिए पांचवी कंडीशन क्या कह रहे हैं, कंपनी इशूड रुपीज 40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पर ये इशू कर रहे हैं रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम और रिडीम करना है 5% के प्रीमियम पर। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा 2,000, तो बैंक अकाउंट में देखिए पांचवा थोड़ा एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर किया, जगह नहीं थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 38,000 और 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट या एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, क्योंकि हम 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पर दिया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और जो जो भविष्य में रिडेम्पशन के लिए करते हैं उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2,000 रुपये, क्योंकि 40,000 का 5% 2,000, और फिर क्या है रिडेम्पशन भी इसको करेंगे 5% पर, तो 40,000 का 5% मतलब 2,000, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट करेंगे 2,000 से, टू 12% डिबेंचर में इन दोनों ये अमाउंट जाएगा, क्योंकि 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 38,000 से क्रेडिट था इसलिए 38,000 से डेबिट किया, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर 2,000 से, क्योंकि यही 2,000 का छूट दिया हमने डिस्काउंट दिया था, तो उसको मिला के 40,000 से डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट होगा, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को 2,000 रुपये से खोले हैं उसको डालेंगे हम कहाँ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि इसको वाले में भी था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बस यही है कि बस एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, अंत में मैं ये बात बोल के वीडियो एंड करता हूँ कि अगर इशू के समय रिडेम्पशन की कंडीशन बताता है और वो रिडेम्पशन की कंडीशन प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं तो हमको एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस जो थ्योरी के लिए वीडियो बताया बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर उसको नहीं समझ पाया तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी बहुत सारे एंट्रेंस देने हैं, बीएचयू के, इलाहाबाद के, अलीगढ़ के बहुत सारे एंट्रेंस देने हैं, उसमें बहुत काम देगा वो।